मंत्रियों विधायकों की तरह ही राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सभी मुखिया उप मुखिया प्रखंड प्रमुख उपप्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। जिलों को निर्देश है कि ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित पद धारकों उनके पति पत्नी और आश्रितों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालना होगा। संपत्ति का ब्यौरा अपने अपने जिलों में सभी को 31 दिसंबर तक सौंप देना है। इस तरह 30 दिनों के अंदर सभी को ब्यौरा दे देना है। पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिलने और भ्रष्टाचार संबंधित मामले उजागर होने के कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकारी लोक सेवकों की तरह ही ग्राम पंचायत के सभी पद धारकों की संपत्ति का ब्यौरा भी जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस तरह सभी पद धारकों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करना होगा। जानकारी के अनुसार इसको लेकर एक मामले की सुनवाई में लोकायुक्त ने भी विभाग से पूछा है कि पंचायत के पद धारकों की संपत्ति के ब्यौरे को लेकर क्या कदम उठाया जाए। विभाग ने जिलों के पंचायत राज पदाधिकारियों को कहा है कि वे जिलाधिकारियों से संपर्क कर शीघ्र ही इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। सभी पदधारक एक फॉर्मेट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा जिलों को सौंपें। इसके बाद जिले की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे वेबसाइट पर अपलोड करें। इस आदेश को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दी गई है। राज्य सरकार को पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ विपत्ति अनियमितताओं की कई शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी लोक सेवकों की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी पदधारक भी हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। इससे वित्तीय गड़बड़ी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। राज्य सरकार का ये निर्णय 17,916 निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर लागू होगा और इसके अलावा 8,386 पंचायतों में मुखिया मुखिया और 534 प्रखंडों में प्रमुख उपप्रमुख और 38 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जो सभी इस दायरे में आएंगे। तो जल्द से जल्द यानी कि 30 दिन में सभी निर्वाचित पद धारक देंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा। नेक्स्ट नाइन भोजपुरी के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरी के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।